नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि जल्दी ही हम इस समस्या से निजात पाएं जो हमारे देश में और संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। आज हम बात करते हैं, चूंकि अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो उपन्यास का होगा। नाटक हमने पढ़ लिए हैं, उपन्यास पढ़ूंगी। उपन्यास के बाद हम कहानी पे चलेंगे, कहानी के बाद आलोचना और इसके बाद गद्य खत्म करते हुए फिर हम भाषा विज्ञान के टॉपिक शुरू करेंगे। उपन्यास पर कुछ बात कर लेते हैं। ऐसे तो उपन्यास का उद्भव विकास पूछता नहीं है, बस हल्की सी एक आपको जानकारी के आधार पर ये समझिए कि ये वीडियो एक जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। उपन्यास जो नाटक में जो स्थान जयशंकर प्रसाद जी का है, उपन्यास में वही स्थान प्रेमचंद का है। नाटक का जब विभाजन करते हैं तो कहते हैं कि प्रसाद पूर्व नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसाद उत्तर नाटक। इसी तरह जब उपन्यास की बात करते हैं या कहानी की बात करते हैं तो प्रेमचंद को कोट करते हैं। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। पहली चीज तो देखिएगा कि जब प्रेमचंद लिखना हो तो हमेशा याद रखना, ये गलती कभी मत करना, प्रेमचंद्र नहीं है, प्रेमचंद लिखना है, ठीक है? ये गलती नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि प्रेमचंद उनका नाम है, प्रेमचंद्र नहीं है। लोग बोल देते हैं, गलती कर देते हैं। उपन्यास की जो परंपरा थी भारतेंदु युग से ही, भारतेंदु के समय से ही उपन्यास लिखे जाने लगे थे। लेकिन पहले जो उपन्यास, प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे वो ज्यादातर उपन्यास तिलिस्मी और जासूसी टाइप के थे। शुद्ध साहित्यिक उपन्यास उन्हें नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उपन्यास की परंपरा चल रही थी। प्रेमचंद के आने के बाद उपन्यास ने एक नई राह पकड़ी। चूंकि प्रेमचंद पर कहीं ना कहीं शुरुआत में गांधी जी का प्रभाव दिखाई देता है, बाद में वो प्रगतिवादी आंदोलन से जुड़ते हैं और मार्क्सवाद का प्रभाव उन पर दिखता है, पर शुरुआत में प्रेमचंद गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। और चूंकि 1915 में गांधी जी आते हैं और ये उसी समय लिख रहे हैं प्रेमचंद। गोदान जो इनका उपन्यास है वो 1936 का उपन्यास है, जो अंतिम दौर का उपन्यास है। 1936 में ये गोदान लिखते हैं, उसके बाद इनका एक और उपन्यास आता है मंगलसूत्र, जो कंप्लीट नहीं है, अधूरा उपन्यास है इनका। तो ये कह सकते हो कि गोदान अंतिम समय का उपन्यास है, अंतिम ही है पूरा उपन्यास वो। ये छायावाद का दौर है काव्य में, 1836 का समय, 1918 से 1936 का समय, और इनके यहाँ प्रेमचंद उपन्यास इसी समय लिख रहे हैं। और ये इनका प्रौढ़ उपन्यास है, यथार्थवाद से एकदम भरा हुआ, इसमें टोटल यथार्थवाद दिखाया गया है उपन्यास में। उपन्यास कई तरह के लिखे जा रहे थे, आज भी लिखे जा रहे हैं, एक लंबी परंपरा रही है उपन्यास लिखने की। प्रेमचंद के जो उपन्यास थे इनमें भी जो शुरुआती उपन्यास है, जैसे प्रेमाश्रम है या गवन है, निर्मला है, जो भी उपन्यास है शुरुआत की या जो इनकी कहानियां हैं शुरुआत की, उसमें इन्होंने हृदय परिवर्तन दिखाया है। क्योंकि गांधी जी से प्रेरित है और इनको लगता है कि परिस्थितियां सही मिलने पर, जैसे गांधी जी कहते हैं ना कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी आदतें बुरी होती है, अगर उसकी बुराई छूट जाए तो वो इंसान अच्छा हो सकता है, अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो वो सुधर सकता है। इनके ऊपर भी वही प्रभाव दिखता है। और ये जो प्रेमचंद शुरुआत में लिख रहे हैं तो इनके भी सभी उपन्यासों में, लगभग शुरुआती उपन्यासों में और कहानियों में हृदय परिवर्तन दिखाया जाता है कि बाद में सब ठीक हो जाता है। लेकिन गोदान लिखते समय जब ये गोदान तक पहुंचते हैं और इन पर चूंकि मार्क्सवाद का भी प्रभाव दिखता है और गोदान है, कफन है, ये कहानी और उपन्यास जब ये लिख रहे होते हैं तो ये टोटल यथार्थवाद पर आ जाते हैं। और ये ऐसा यथार्थ लिखते हैं समाज का जहाँ हृदय परिवर्तन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। आप लोग उपन्यास गोदान पढ़िएगा या जिन्होंने पढ़ लिया है आप देखिएगा कि जब लास्ट के 2-3 पेज रह जाते हैं और
घोरी जो उसका नायक है वो कहता है कि इस कर्ज से जान छूटे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लगता है कि यहाँ भी प्रेमचंद सब कुछ ठीक कर देते हैं, लेकिन अचानक पता चलता है अंत में कि होरी की मृत्यु हो जाती है और ये एक दुखांत नाटक हो जाता है, त्रासदी हो जाती है। आपके में प्रश्न भी पूछा जाता है कि गोदान एक कृषक जीवन की त्रासदी है, क्योंकि होरी जो है वो पर्टिकुलर नायक नहीं है, होरी किसान का प्रतीकात्मक नायक है, क्योंकि उस समय की जो किसानों की समस्या थी वो सबकी ऐसी ही थी जो होरी की थी, कर्ज में जन्म लेना, कर्ज में जीना और कर्ज में ही मर जाना। जिस होरी को जिंदगी भर एक गाय पालने की लालसा रही जो पूरी नहीं कर पाया, वो लास्ट में उसको पंडित बोलते हैं कि गोदान करा दीजिए और 20 पैसे जो उसके पास रहते हैं धनिया के पास, वो उसका कहती है यही इनका गोदान है। तो कितनी जो गोदान उपन्यास पढ़िएगा, जहाँ से शुरू होता है लगभग वहीं खत्म होता है आपके, उसी बात पर। शुरुआत में भी धनिया कह रही होती है कि हमारे उसके कुछ बच्चे खत्म हो जाते हैं बीमारी में चल के, वो इलाज नहीं करा पाती, तो शुरुआत में भी कहती है कि अगर कुछ पैसे होते, दवा दारू हो जाता तो शायद वो बच्चे बच जाते, और लास्ट में भी वो होरी के लिए वही कह रही कि पैसे ही नहीं है वरना डॉक्टर को बुलाते, इलाज करवाते। तो ये प्रेमचंद ने बिल्कुल यथार्थ लिखा है गोदान में। इसके बाद उपन्यास की एक परंपरा चलती रही, कुछ यथार्थवादी उपन्यास लिखे गए, फिर उपन्यास में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास भी लिखे गए, जैसे जैनेन्द्र का नाम आता है, जैनेन्द्र ने जो उपन्यास लिखे उसमें यथार्थ के साथ साथ मानसिक चीजें दिखाने की कोशिश की कि मनुष्य के अंदर कैसे चलता है सब कुछ, उसको दिखाया। आपके सिलेबस में शेखर एक जीवनी है, तो वो भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, उसमें भी एक शेखर की जो मना स्थिति है जीवन की वो दिखाया, और फ्रायड से प्रेरित लगता है मनोविश्लेषण उसका 1940 के आसपास का वो लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, 1940 के आसपास का है, 44 में दूसरा भाग उसका लिखा गया है। तो वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है जिसमें शेखर के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, वो किस तरह जीना चाह रहा है, क्या होता है उसके साथ साथ, उस सबको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये एक उपन्यास की यात्रा है जो प्रेमचंद मूल में इसके प्रेमचंद ही रहते हैं, और ये भारतेंदु युग से ही शुरू होके बाद में ये जैनेन्द्र होते हुए यशपाल का दिव्या आईएएस के सिलेबस में है, इस तरह से ऐतिहासिक नाटक में, हालांकि दिव्या ऐतिहासिक नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिखती है उसमें, ये झलकता है कि इतिहास में ऐसा रहा था एक समय समाज, लेकिन दिव्या काल्पनिक पात्र है, इतिहास नहीं है, पर फिर भी माना जाता है कि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी उपन्यास लिखे गए। मनोविश्लेषण पर भी जैसे त्याग पत्र वगैरह लिखा गया, सुनीता एक उपन्यास है जैनेन्द्र का जो बहुत फेमस हुआ है, शेखर एक जीवनी तो आपके सिलेबस में ही है। तो ये सब उपन्यास की यात्रा रही, शुरुआत में तिलिस्मी और जासूसी टाइप की रहे, फिर आदर्शवादी जो गांधीवादी आदर्शवाद था उससे प्रभावित उपन्यास लिखे गए, उसके बाद प्रेमचंद यथार्थवादी उपन्यास लिखते हैं, और गोदान जैसा यथार्थवादी उपन्यास तो कोई है ही नहीं। अगर आपको भारत का समाज जानना है तो गोदान पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उस समय का समाज कैसा था। इसके बाद परंपरा चली ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे गए, और अभी भी कुछ कुछ 70 के उपन्यास अभी भी लिखे जा रहे हैं। ये तो थी उपन्यास की यात्रा। अगले वीडियो में हम आपको प्रेमचंद का गोदान की जो होरी का चरित्र चित्रण आपको बताएंगे, चूंकि होरी मेन है पात्र उसका, वही नायक है, तो होरी का चरित्र चित्रण बताएंगे, और होरी के चरित्र चित्रण से ही आपको गोदान की त्रासदी क्या है, कृषक जीवन की त्रासदी क्या है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा उसके थ्रू। उसके बाद धनिया का चरित्र चित्रण बताएंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि गोदान में आपका पसंदीदा नारी पात्र कौन सा है, तो आप कोई और नारी पात्र भी लिख सकते हैं, लेकिन धनिया को तैयार करने से आपकी दो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। नायिका का चरित्र चित्रण पूछे तब भी, धनिया का नाम लेके पूछ दे कि धनिया का चरित्र चित्रण बताइए तब भी, और आपका पसंदीदा नारी पात्र पूछे तब भी आप धनिया का चरित्र चित्रण लिखकर काम चला सकते हैं। तो इस पर बात करेंगे, और
सुबह 8 बजे आप लोग तैयार है ना, सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिलेगी पर डे, सुबह 8 बजे हिंदी का वीडियो और शाम को 6 बजे जीएस का। अभी पॉलिटी शुरू की है तो पॉलिटी का वीडियो मिलेगा, आप इसे शेयर करते रहें ताकि और अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सकें और सबको लाभ मिले। धन्यवाद।